नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज सोमवार का दिन है, आज आप इस पूरे सप्ताह की शुरुआत करेंगे और हम यही चाहते हैं कि आप इस पूरे सप्ताह की शुरुआत बहुत ही एनर्जी के साथ करें, खुश होकर करें। तो उसके लिए हम आपको टिप्स देंगे, समाधान भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन सोम प्रदोष है तो सोम प्रदोष के उपाय हम आपको खास तौर पर बताएंगे। तो आज सोम प्रदोष की चर्चा होगी और साथ ही साथ आपको आज का शुभ संयोग भी देंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ करते हैं कि आज का शुभ संयोग क्या कुछ खास है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सोम प्रदोष व्रत पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 9 दिसंबर 2019, माघशीष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा, साथ ही आज अखंड एवं व्यंजन द्वादशी भी मनाई जाएगी। अखंड और व्यंजन द्वादशी भी आज ही मनाई जाएगी। अखंड द्वादशी के दिन किया गया व्रत एवं पूजन धन धान्य एवं सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। आज के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त होती है। समस्त व्याधियों को नष्ट करके, सभी बीमारियों को दूर करके आरोग्य को बढ़ाने वाला ये व्रत माना गया है। आज चांदी की थाली और चांदी की कटोरी में कच्चा भोग, दाल और खीर का भोग ठाकुर जी को अवश्य लगाइएगा। साथ ही संध्या समय में केसर के दूध का भोग चांदी के गिलास में ठाकुर जी को अवश्य लगाइएगा। और आज से ही रात्रि शयन में ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना अवश्य शुरू कर दीजिएगा। साथ ही चूंकि आज सोम प्रदोष है तो आज संध्या काल में शिवालय जाकर सफेद शिवलिंग का विधिवत पूजन कीजिएगा, गौघृत का दीप करिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, सफेद कनेर के पुष्प भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा और सफेद चंदन से ही त्रिपुंड भोलेनाथ को बनाइएगा। रात रानी का इत्र चढ़ाइएगा, चावल की खीर का भोग लगाइएगा और पूजन के पश्चात वो भोग जो है वो किसी कन्या को खिला दीजिएगा। निश्चित तौर पर इस प्रकार आज सोम प्रदोष के व्रत पूजन उपाय से शत्रुओं पर जीत मिलेगी, दुर्भाग्य दूर होगा, मानसिक विकार दूर होगा, जमीन जायदाद में लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की कि आज आपको किस तरह से द्वादशी तिथि है तो क्या कुछ करना है और साथ ही साथ सोम प्रदोष का व्रत है, बेहद खास व्रत ये माना जाता है, तो ऐसे में आपको क्या कुछ करना है। आगे इसके उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएंगे, धन लाएंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। लेकिन उससे पहले सुशीला जी का कॉल लेते हैं। सबसे पहले हमारे कॉलर सुशीला जी जुड़ गई हैं ब्यावर से। सुशीला जी, डेट ऑफ बर्थ और सब समय बताएं अपना। लड़के का बोलिए, पहले लड़के का बोलिए। लड़की का नाम है, लड़की का पहले लड़के का बोलिए। लड़के का नाम सुनील है। तारीख समय बोले। जन्म तारीख 6/3/1991। 6 मार्च 1991। हाँ, 6/3/1991। 6 मार्च 1991। हाँ, समय 10 बजे शाम को। रात को 10 बजे। हाँ। लड़की का बोले। लड़की का नाम दिव्या। और 10/10/1992 और समय शाम का 9 बजे। ट्रेन की स्पीड में मत बोलिए, तारीख वापस बताइए। 10/10/1992 और समय बताएं। 9 बजे शाम को। शाम। देखिए सुशीला जी, जो आपने तारीख समय बताई है, लड़के का 6 मार्च 1991,
रात को 10 बजे और लड़की का बताया है 10 अक्टूबर 1992 रात को 9 बजे। 18 गुण मिलते हैं, भ्रकुट दोष है, गण दोष है। उसके साथ में चूंकि लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है तो इस वजह से, लेकिन मंगल की जगह राहु है तो परिहार हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो लड़के की कुंडली अच्छी है, कंसीडर कर सकते हैं, लड़की की कुंडली भी ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। राशि के स्वामी अगर मित्र हो तो भ्रकुट दोष टल जाता है, इसलिए इस ऑप्शन को देखा जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मीन मेक नहीं है इसके अंदर, सिर्फ भ्रकुट दोष है, चूँकि राशि के स्वामी मित्र है तो दोष स्वतः ही टल गया, बाकी और कोई दोष इस जन्म कुंडली में नहीं है। आगे पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कॉल लेते हैं। रामचंद्र जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय किसके लिए पूछना है। जी 25/5/1988 समय शाम को 6 बजे 25 मई 1988 शाम को 6 बजे प्रश्न पूछिए। देखिए ऐसा है रामचंद्र जी, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 18 साल के इस बच्चे को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा मतलब सर्प, सर्प मतलब टेढ़ा चलता, उसकी चाल ही फितरत उसकी टेढ़ी चलने की है। तो राहु की महादशा जीवन में जब भी आती है तो बहुत उतार चढ़ाव करती है, अच्छा भी दिखाती है, डाउन भी दिखाती है, बुरा भी दिखाती है, सब सारे दिन दिखाती है। ये राहु की महादशा सन 2027 में खत्म होगी, उसके पश्चात गुरु की महादशा शुरू होगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, सिर्फ राहु का ही उपाय कर लीजिए। रविवार के दिन पास में कोई भैरव मंदिर हो तो दर्शन करें, दाल की कचौरी दही मरती चढ़ाएं, नहीं तो अगर कोटा में आप रहते हैं और वहाँ चंबल नदी है तो रविवार को मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाएं, उड़द की दाल के बने हुए बड़े खिलाएं तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में 1.75 रत्ती का गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दें, और इसको बोलिए कि नियमित रूप से गौ सेवा अवश्य करें। कुंडली अच्छी है, राइजिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आने वाला एक वर्ष कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उतार चढ़ाव आएंगे, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान से करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती। चलिए उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का हल आपको मिल गया होगा। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। निर्मला जी जुड़ गई हैं, निर्मला जी बहुत बहुत स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ और समय बताएं। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। वो हमारे 1.5 महीने की बच्ची है, 10 सितंबर डेट है उसकी, 10 सितंबर और 2019 अभी हुई है क्या, 2 महीने पहले? हाँ, अभी हुई है 10 सितंबर 2019। 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर समय? हाँ, समय है 12 बजे दिन का। अच्छा, क्या पूछना बेटा? इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसके पापा के लिए कैसी है लड़की है, और अभी बहुत रोती है ये। देखो बेटा, जहाँ तक ये बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, शतविषा नक्षत्र में जन्मी है, कुंभ राशि है इसका, और सीता वाला सी पे इसका नाम आया है, सीता वाला जो सी है उस पे नाम आया, तांबे के पाए में बच्ची जन्मी है। पिता के लिए बहुत भाग्यशाली है क्योंकि पिता के दशम भाव में सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है और सूर्य बैठा है, तो निश्चित तौर पे इस बच्ची के आगमन से पिता के नेम एंड फेम सब कुछ मिलेगा, तरक्की उन्नति प्रमोशन व्यापार में लाभ सब कुछ इसको इसके पिता को प्राप्त होगा, और इसके दशम एकादश भाव में शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। बहुत ही भाग्यशाली बच्ची है और जीवन में आगे बहुत तरक्की भी करेगी, एजुकेशन में भी हायर स्टैंडर्ड में जाएगी, लेकिन पैदा होते ही चूंकि बच्ची राहु की महादशा में पैदा हुई है तो इसके ग्रहों का संपूर्ण फल जो है 2028 के बाद प्राप्त होता है। चूंकि रात को रोती बहुत ज़्यादा है, उसके लिए रात को अपने माता के सिरहाने के नीचे, इसके सिरहाने के नीचे एक चक्कू रख दीजिए और कुछ गेहूं के खुले दाने रख दीजिए, और साथ में जो है वो सोते समय सिर पूरब दिशा के अंदर रखिएगा, लाल कपड़े खूब पहनाइएगा बच्ची को, क्योंकि मंगल अस्त है, कुंडली बहुत बढ़िया है, निश्चिंत रहिए, बच्ची तो लक्ष्मी का रूप है, इसमें कोई दो राय नहीं, और अपने माता पिता और अपने परिवारजनों के सबके लिए ये बच्ची भाग्यशाली साबित होगी। चलिए तो निर्मला जी, बच्ची सभी के लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाली है, तो उसका पोषण जो है वो बहुत अच्छे से कीजिएगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से कराइएगा, और अच्छी सी शिक्षा दिलाकर अच्छी सी नौकरी भी करवाइएगा, और अगर आगे कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान हम देंगे। चूँकि आज सोम प्रदोष की पंडित जी हम बात करने वाले हैं, तो सोम प्रदोष के कुछ चमत्कारिक उपाय आज आप हमें बताएंगे, तो शुरुआत करते हैं। आइए अब जान लेते हैं सोम प्रदोष पर किए जाने वाले कुछ
बेहद चमत्कारिक उपाय। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे बने रहें, तो 5 लाल गुलाब के फूलों को, 5 ही पुष्प लीजिएगा, 5 लाल गुलाब के पुष्पों को गुलाबी धागे के अंदर पिरोइएगा और पति पत्नी दोनों मिलकर शाम के समय भगवान शिव को ओम नमः शिवाय 27 बार बोलकर भगवान शिव को वह अर्पण कर दीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और किसी निर्धन कन्या के विवाह में कुछ खाने की सामग्री का दान अवश्य कीजिएगा। बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर जो फ्लक्चुएशन हैं वो खत्म हो जाएंगे। वहीं यदि आपके घर के अंदर कोई सदस्य रोग से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो रोग से मुक्ति पाने के लिए, अगर आप हर प्रकार के रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं, कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज सफेद चंदन में गंगा जल मिलाकर उसका लेप सोम प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिवलिंग पर करें और गौ माता के घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र ओम तंबेकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता, इस मंत्र की 108 बार वहां बैठ के जाप करें। निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे कैंसर हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे कमर का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, स्वतः ही दूर भागेगा। करके देखिएगा। हमारे वो दर्शक जो सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जिनकी एक सपना है, चाहत है, तो आज सोम प्रदोष के दिन शाम के समय शिवलिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर उस शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा और शुद्ध चंदन का इत्र भोलेनाथ को अर्पण करना है, वो उनके ऊपर उडेल दीजिएगा। इसी के साथ आज देशी घी का दीपक जलाइएगा और प्रणाम करके अपनी जो प्रार्थना है, गवर्नमेंट कंपटीशन में सक्सेस की, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो मनोकामना है, वो भोलेनाथ के साथ साथ नंदी के कान में जाके बोल दीजिएगा। तो आज नंदी के कान में अगर आप कोई मनोकामना बोलते हैं तो शिव उसको अवश्य पूरी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। करके देखिएगा। अगर आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियों का भंडार भरना चाहते हैं, अन्न का, धन का, सभी प्रकार के सुखों का भंडार भरना चाहते हैं, तो आज के दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा सहित अन्न का दान कीजिएगा और संभव हो तो तांबे के बर्तन में अन्न भर दीजिएगा और दक्षिणा रखकर उस बर्तन को, अन्न और दक्षिणा समेत किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। निश्चित तौर पर आपके घर में अन्न, धन, सुख, शांति, समृद्धि का भंडार भरा रहेगा, इसमें कोई दो राय। चलिए, तो ये तो कुछ उपाय हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, धन की वृद्धि कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही कुछ उपाय आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं सोम प्रदोष व्रत की, यानी कि सोम प्रदोष पर आज आप कौन से वो उपाय करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, प्यार बना रहे और धन वृद्धि होती रहे, ये आपको आगे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजीव जी का कॉल लेते हैं, जयपुर से ये जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं डेट ऑफ बर्थ और समय। मैम, डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1967। हाँ जी। समय बोले? समय सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। प्रश्न पूछे। मैं एक्चुअल में 2-3 साल से मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है, 2-3 साल से वो काम गड़बड़ चल रहा है, बोनिया भी नहीं होती है शॉप पे, तो मैं अभी कुछ रेडीमेड गारमेंट का, मेंस वेयर का काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा आप आदेश करें कि क्या मेरे लिए सही रहेगा? देखिए, ऐसा है, आपको 18 साल की राहु शनि की महादशा चल रही सन 2001 से,
और ये ख़त्म होगी अगले वर्ष अक्टूबर 2020 में। उसमें भी आपको जो है पिछले कुछ समय से 2015 से शनि की महादशा राहु का अंतर चल रहा था जो अप्रैल 2018 में ख़त्म हुआ और अब शनि की महादशा और गुरु का अंतर है। चूँकि उतरता शनि है तो जीवन में बहुत कुछ सेट करके जाता है, काफ़ी कुछ अच्छा दे के जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी जो लाइन है वो आपको सूट नहीं करती है क्योंकि आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। कपड़े का काम आप कर सकते हैं, उसके सिवा और कोई आप टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक लोहा और मोबाइल इस तरह का जिसमें टेक्निकल जो चीज़ें हैं शनि जो जनित जो काम होते हैं यदि आप वो करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं क्योंकि आपका भाग्येश और आपका कर्मेश जो है वो शनि है और शनि बैठा है आपके लाभ के अंदर, तो इस तरह का काम आपको ज़्यादा सूट करेगा। और चूंकि उतरता शनि अक्टूबर 2020 के पश्चात आपको 16 साल की जो है वो बुध की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, तो आप कपड़े का काम करना चाहे तो कपड़ा भी कर सकते हैं और उसके अलावा जो आप अगर टेक्निकल कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जी। और पंडित जी, एक फेसबुक पर हमारे मैसेज आया हुआ है, जैसा कि लाइव चलता है और लाइव शो के दौरान ये मैसेज आया हुआ है निरंजन जी का, जो परिवार में लड़का हुआ है तो उसके लिए जानना चाहते हैं 27/11/2019 और 10:59 का सुबह का समय, तो नाम किस अक्षर पर रखना है और क्या कुछ भविष्य रहने वाला है। देखिए बेटा, निरंजन, जहाँ तक आपके घर के अंदर जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। 27 नवंबर 2019 सुबह 10:59 ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, मूल नक्षत्र का जन्म है, ठीक 27वें दिन 27 नवंबर से ठीक 27वें दिन आप वहाँ पे योग्य आचार्य से पता कर लीजिएगा, ज्येष्ठा नक्षत्र मूल शांति करवाइएगा, विधि विधान पूर्वक मूल शांति करवाइएगा। शास्त्र ये कहते हैं कि जब तक मूल शांति नहीं हो जाए तब तक पिता को अपने पुत्र का मुख देखने का भी अधिकार नहीं है। वृश्चिक राशि इसकी आई है बच्चे की और एन के ऊपर ना के ऊपर इसका नाम आया है, नोनी वाला जो नो नाम होता है, नोनी वाला जो नो नाम है, नोनिहाल वाला जो नो नाम है उसके ऊपर इसका नाम आया। एन के ऊपर आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ना के ऊपर इसका नक्षत्र वाला ना जो है उसके ऊपर भी आप इसका नाम रख सकते हैं। बाकी कुंडली सब कुछ अच्छी है और माता पिता के लिए वैसे बच्चा बहुत भाग्यशाली रहेगा, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ मूल नक्षत्र का जो जन्म है उसकी विधि विधान पूर्वक शांति अवश्य करवाइएगा। चलिए और पंडित जी आगे बढ़ते हैं, चूँकि आज सोम प्रदोष की हम बात कर रहे हैं और सोम प्रदोष के उपाय आप हमें लगातार बता रहे हैं, लेकिन सोम प्रदोष व्रत जब हम करते हैं उसका लाभ क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है सोम प्रदोष व्रत? तो दोस्तों, अगर अगर आप अपने घर परिवार से हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं और अपने काम के प्रति संतुष्ट बना रहना चाहते हैं तो आज सोम प्रदोष के दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा कीजिएगा और पूजा करने के पश्चात तुलसी के पत्ती को बिना चबाए उसका सेवन कर लीजिएगा और घर के सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में तुलसी के पत्ते दीजिएगा, निश्चित तौर पर बहुत आपको आराम मिलेगा। वहीं अगर आप अपने प्रेम संबंधों में मिठास बनाए रखना चाहते हैं तो आज सोम प्रदोष के दिन आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर शहद अर्पित करना चाहिए। आज के दिन यदि आप शिवलिंग को शहद से उसका अभिषेक करते हैं, निश्चित तौर पर भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके जो लव रिलेशंस हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, उसमें मधुरता भर देते हैं, इसमें कोई दो राय जी। तो ये तो आपने बता दिया पंडित जी कि क्या कुछ हमें करना है, आगे व्रत के लाभ आपसे जानना चाहेंगे जी। आइए बिल्कुल जान लेते हैं सोम प्रदोष व्रत के लाभ क्या है, क्यों किया जाता है सोम प्रदोष व्रत। देखिए, सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। सोम प्रदोष का व्रत जो लोग करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है, कोई कमी नहीं रहती है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में उलझे हुए हैं, आर्थिक संकट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे वो सोम प्रदोष हो चाहे भौम प्रदोष हो। जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता हो उसको कभी धन के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है।
प्रदोष व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग, चाहे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी क्यों नहीं हो, वो भी दूर हो जाती है। पैरालिसिस जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। अविवाहित युवक युवतियों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, योग्य वर एवं वधु की प्राप्ति होती, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो प्रदोष व्रत करता हो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि भगवान शिव ज्ञान और मोक्ष के दाता माने गए हैं, अध्यात्म की राह पर चलने की चाह रखने वालों को भोलेनाथ का जो सबसे प्रिय वार है सोमवार, और उसके साथ में प्रदोष व्रत। संध्या काल में जो भगवान की प्रदोष वाले दिन, जो भगवान की संध्या समय में पूजन अर्चन करता हो, उसका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करने की जो चाह है भगवान स्वयं रखते हैं। इसलिए जीवन के अंदर आपको मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियां पार करके मनुष्य जीवन मिला है, तो निश्चित तौर पर प्रदोष व्रत सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। चलिए, तो प्रदोष व्रत करने के लाभ क्या हैं? आपके रोग हो, आर्थिक संकट आ रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, या कोई भी मानसिक तौर पर परेशानी हो, सोम प्रदोष कीजिए। आज सोम प्रदोष का व्रत है, आप कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा। और साथ ही साथ उपाय पंडित जी ने आज हमें बताया। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, तो आप हमें सोमवार से शनिवार कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आगे देखिए स्टेट न्यूज़। नमस्कार।